प्रसाद में महापाप, ये हो कैसे गया? तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है। विवाद को लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ये भी कहा है कि FSSAI अब इस मामले की जांच करेगी। कौन है FSSAI? जो आप खाने का जो सर्टिफिकेशन देती है, अब इसकी जांच फूड सेफ्टी वाले करेंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जेपी नड्डा ने सीएम नायडू से रिपोर्ट मांगी है और अब जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है FSSAI, वो प्रसादम की जांच करेगा। अब भ्रष्टाचार की जड़ें कहां कहां तक पहुंच सकती हैं, अब हम आपको यही दिखाने वाले हैं। खबर है हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से पता चलता है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल हुआ। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी, यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। देवन दगर बेटे प्रसादम अपवित्रन जैसे विधंगा आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी का है जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने इस पूरे मामले को CBI को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए
और सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद पिलिग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी, उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली That was adulterated. दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के, यहाँ कौन बोल रहे, टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगनमोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ भी इस साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है। सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर धार्मिक आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का भोग लगाया जा रहा था? कौन इस साजिश में पर्दे के पीछे से मिलावट वाली कहानी लिख रहा था? इधर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास तिरुपति के प्रसादम में मिलावट के मामले को हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीएचपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। ये तो हिंदू का विश्वास का इश्यू है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का पवित्रता कंटिन्यू करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी से भी करना है। उधर तो ये तो तिरुमल तिरुपति देवस्थान एक ही आंध्र प्रदेश को, एक ही तेलंगाना को, तेलुगु राष्ट्र दो तेलुगु स्टेट्स को नहीं है, पूरा इंटरनेशनल जो विश्व में जो हिंदू है उसका पवित्र भगवान पवित्र दैव है वो, इसलिए ये तो प्रसाद में जो प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उससे ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है।
और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मांस, चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने के मामले को लेकर राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। संस्कृति बचाओ मंच ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान कहा गया कि हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच, जगनमोहन रेड्डी का इन्होंने पुतला फूंका है। हालांकि ये जो संस्कृति बचाओ मंच है, ये अक्सर इसी तरीके से बने बनाए पुतले रेडीमेड रखता है अपने पास, बस इसको सड़क पर आने की देर लगती है। बहरहाल ये बात सही है कि विरोध जगह जगह हो रहा है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने जगन मोहन रेड्डी का पुतला फूंका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में गौ मांस और मछली का तेल मिलने का विरोध अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बचाओ मंच के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कांग्रेस है उसको सीधे तौर पर और क्या कुछ क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग संस्कृति बचाओ मंच यहाँ जगमोहन रेड्डी का आज पुतला दहन करेगा। जगमोहन रेड्डी ने जो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया है, भगवान के प्रसाद में इस प्रकार का कार्य किया है जो कि भगवान का प्रसाद पाकर भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है और वो प्रसाद में गौ मांस साथ में जो है मछली का तेल इस प्रकार जो निर्माण हुआ है उससे हिंदू धर्म भ्रष्ट हुआ है और हमारे देवताओं का भी अपमान हुआ है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई होनी चाहिए, रासुका लगाकर उन्हें जेल में भेजना चाहिए। आज यहाँ संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध कर रहा है। जिस तरीके से मामला चूंकि धार्मिक है और उसके बाद अब पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया, उसमें राजधानी भी अछूती नहीं है। कैमरामैन संगर के साथ सैलेंसी यूनिटिन भोपाल। इधर बीजेपी नेता भानु प्रकाश रेड्डी ने तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी की मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बालाजी दर्शन के बाद पिलिग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी, उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got in a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. Darshan karne ke baad har ek aadmi laddu khata, laddu le jata, apne gaon ko de jata, apne desh ko leke sabko baantta. Wo laddu mein hamara kya bolte beef ka aur uske baad apna fish ka oil hai bolke yahan kaun bol rahe hai? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है और उसके बाद फिश का ऑयल है बोल रहे, ये कहां तक न्याय है? तो सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, कल्प्रिट्स को सजा मिलना चाहिए, फ्यूचर में भगवान करे ऐसा गलत काम नहीं करना, वहां पर भी मिलावट का काम करे तो कैसा रहेगा। तो